जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था अपना सी लैंग्वेज, और सी लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको लास्ट ऑपरेटर समझा दिया था। हाँ जी, आवाज चेक कर लीजिए एक बार। लास्ट जो मैंने पढ़ाया था वो क्या था, वो ऑपरेटर था बच्चों। आज अपन चलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट अपन पढ़ेंगे। इफ पढ़ेंगे, इफ एल्स पढ़ेंगे, फिर इनके नेस्टेड पैटर्न को पढ़ेंगे, इसके बाद लूप पढ़ेंगे, स्विच केस पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कंडीशनल वर्ड्स, जैसे रिटर्न क्या होता है, गो टू क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, एग्जिट क्या होता है, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बड़ा टॉपिक भी है बच्चों। लगभग मान के चलिए एक वीक लग जाएगा कंडीशनल स्टेटमेंट में। दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन इसके अंदर आने वाला है। हाँ, ऑपरेटर अगर आपके समझ में आया तो ये काफी आसान भी हो जाएंगे बच्चों। बस आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है। जब भी कंडीशनल स्टेटमेंट आए आपके दिमाग में एक चीज डाल लीजिए, फॉर्मेट का ध्यान रखना है, फॉर्मेट का ध्यान रखना है। बच्चों, मैं फिर वापस बार बार वर्ड बोल रहा हूं, फॉर्मेट का ध्यान रखना है। अगर फॉर्मेट तुम्हारे समझ में आ गया तो इसका मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट का एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो सकता बच्चों। क्लियर, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, समझना। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग। और बच्चों, मैं इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर नया हूं, यूट्यूब पे इनके ऊपर मेरे वीडियो आते हैं, तो थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, थोड़ा सा सपोर्ट किया करो। फेसबुक के ऊपर इनके ऊपर भी आते हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट किया करो, शेयर कर दिया करो। आप अकेले तो पढ़े नहीं होंगे, बीसीए एमसीए की डिग्री की होगी, एमसीए में आपके साथ मान लीजिए 50-60 बच्चे थे, 5-6 को तो बताइए आप कि इस तरीके से कोचिंग है, अंबिका क्लासेज कंप्यूटर टीचर की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हाँ, आईए के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, इसी में बेसिक कंसेप्ट को मैं सी के बाद कवर करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। हाँ जी बच्चों, आज अपना टॉपिक है चैप्टर, देखिए मेरा जो लेक्चर नंबर है वो 11 है। सी लैंग्वेज चल रही थी, अब तक मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पूरी दे दी थी, आज चलते अपन कंडीशनल स्टेटमेंट। तो बच्चों, पहला कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सा अपना, तो फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट है अपना इफ। इफ इफ की अगर मैं बात करूं तो इफ में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो इफ का फॉर्मेट पढ़ेंगे अपन, एक बच्चों इफ एल्स का फॉर्मेट पढ़ेंगे, इफ एल्स का क्या फॉर्मेट है। इसके अलावा बच्चों नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ का क्या फॉर्मेट है। इसके अलावा बच्चों नेस्टेड इफ एल्स का क्या फॉर्मेट है, नेस्टेड इफ एल्स का क्या फॉर्मेट है। क्लियर, ये चीज अपन को पढ़नी है। फॉर्मेट का ध्यान रखिए, कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट आए एक वर्ड में आपको क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जीवन में कभी इस तरीके की कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा ही नहीं होगा, मेरी गारंटी है। लेकिन मेरे पूरे एक वीक के वीडियो देखना, पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा बच्चों इस टॉपिक में। इफ, इफ का फॉर्मेट क्या है, इफ, और इफ की ये जगह खाली नहीं हो सकती बच्चों। इफ के यहां पर क्या होती है, कंडीशन होती है, ये याद रखना, यहां पर कंडीशन होना जरूरी है। याद रखिए मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं, यहां पर कंडीशन का होना जरूरी है। कंडीशन ट्रू है तो इफ की बॉडी के अंदर जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो बाहर चला जाएगा। इफ, इफ ओनली इफ कंडीशन, कंडीशन ट्रू अंदर जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो बाहर चला जाएगा। मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उसको कैच कीजिए, इफ अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो बाहर चला जाएगा। अगर मान लीजिए बच्चों समझना, इफ की अगर मैं बात करूं तो इफ का फॉर्मेट को समझना, मैंने लिखा इफ और यहां पर कोमा लगा दिया, इसका मतलब बच्चों ये सेमी कोलन लगा दिया, इसका क्या मतलब है, और यहां पर आपकी कंडीशन है, कोई भी कंडीशन है, तो बच्चों इफ कंडीशन सेमी कोलन है तो इसका मतलब है ये कोई एरर नहीं है, इसका मतलब है इफ और ये कंडीशन बच्चों क्लियर, और इसके अंदर बिल्कुल ब्लैंक, इसका मतलब ये होता है, ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इफ के बाद सेमी कोलन लगा दिया एरर आ गई, अरे एरर नहीं है बच्चों, नहीं है एरर, यह है कि इफ की बॉडी खाली है, इफ की बॉडी खाली है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं, मान लीजिए इफ और यहां पर कंडीशन और यहां पर दो चीज लिख दूं मैं, मान लीजिए मैं प्रिंट करवा रहा हूं, प्रिंट एफ, और यहां पर लिखा मैंने अरविंद, क्या लिखा बच्चों अरविंद, और यहां पर मैंने लिखा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ और अंबिका, एक बार बताइए ये फॉर्मेट कैसे बनेगा, ये दिमाग में रखिए, ये फॉर्मेट कैसे बनेगा।
तो बच्चों याद रखना, अगर मान लो इसके पीछे सेमीकोलन है तो ये पार्ट खाली हो जाएगा, अगर इसकी बॉडी नहीं है तो याद रखना इफ की बॉडी के अंदर एक पार्ट आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों काउंट नहीं करेगा, इफ केवल एक पार्ट को लेगा, इस सेमीकोलन को ले, यहां तक को ले लेगा, ये इसकी बॉडी बन जाएगी। मतलब बॉडी कैसे बनेगी, इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, इफ और ये क्या है बच्चों, कंडीशन, और यहां पर एक पार्ट इसका होगा बच्चों, क्या हो जाएगा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, और ये क्या बनेगा अरविंद, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा बच्चों। और दूसरा पार्ट है वो बाहर चला जाएगा, यहां रहेगा प्रिंट एफ, और ये क्या है बच्चों अंबिका। क्लियर, मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की, फॉर्मेट का बहुत बड़ा रोल है, इफ इफ के अंदर कंडीशन होना जरूरी है, सेमीकोलन पीछे इफ की बॉडी खाली है। अच्छा इफ बॉडी नहीं है, बहुत सारे स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही इफ का पार्ट होता है, बचे हुए इफ के बाहर आ जाएंगे। क्लियर बच्चों, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता इफ के अंदर। चलो मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी करवा देता हूं, समझना बच्चों। देखिए मैंने लिखा इफ इंटीजर, इंटीजर ए, इंटीजर ए, ये मैंने लिख दिया, और बच्चों मैंने यहां पर कंडीशन लगाई इफ ए इज ग्रेटर देन 5, और मैंने यहां पर लिखा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ अरविंद, प्रिंट एफ अरविंद, और फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ अंबिका, अंबिका, और फिर मैंने लिखा, चलिए इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब बच्चों यहां पर आइए, अपन क्या करें, मैं कुछ डेटा लेता हूं और चेक करता हूं इसका आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले तो मैंने ए की वैल्यू कितनी ली, 10। बच्चों ए की वैल्यू मैंने 10 ली, समझना बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा इंटीजर ए इफ दिखा, इफ का फॉर्मेट नहीं है, इफ की बॉडी होती है, या कोई सेमीकोलन नहीं है, याद रखना या कोई सेमीकोलन नहीं है। मैं हर बार हर कंडीशन को यूज करूंगा, ध्यान रखना बच्चों। ए इफ या कंडीशन बिल्कुल है, अगर मान लो ये कंडीशन ही नहीं होती क्या आ जाती एरर, क्योंकि इफ के अंदर कंडीशन होना जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं पीछे, सब कुछ समझाया जाएगा, लेकिन पहले एक एक कंसेप्ट पे आइए। मैंने क्या लिखा था यहां पर, मैंने लिखा था ए इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन है क्या, बिल्कुल है। अगर मान लो बच्चों इसकी कोई बॉडी नहीं है, बॉडी होती तो ये पूरा पार्ट इसका होता, लेकिन बच्चों गौर से देखो यहां पर कोई बॉडी नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, ये देखिए यहां पर कोई बॉडी नहीं है, ये मैं उठा रहा हूं। देखो बच्चों अगर कोई बॉडी नहीं है तो याद रखना जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहां पर जाके खत्म हो रहा है, ये इसकी बॉडी है। मतलब कहने का मतलब जो आपने ये लिखा था उसका सही फॉर्मेट ये है, कंडीशन होना जरूरी है, बिल्कुल है, बॉडी नहीं है तो एक लाइन इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगी। बच्चों अगर मान लो ऐसा नहीं होता, अगर ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता, समझना अगर ये होता तो बच्चों इसकी बॉडी खाली हो जाती, ये लीजिए इसकी बॉडी खाली हो जाती। क्लियर बच्चों, पीछे सेमीकोलन का मतलब है इसकी बॉडी खाली हो जाएगी। सब कुछ समझ में आ गया होगा, मैंने हर चीज बताई। इफ के अंदर कंडीशन होना चाहिए, इफ के पीछे सेमीकोलन है इसका मतलब उसकी बॉडी खाली है, इफ की अगर कोई बॉडी नहीं है तो फर्स्ट लाइन उसकी होगी, अगर बॉडी दे दे तो पूरी बॉडी उसकी होगी। क्लियर बच्चों, ये चारों चीज आपके क्लियर हो जानी चाहिए। अगर मैं ये कह दूं कि सर नहीं इसकी तो पूरी बॉडी दे रखी थी, पूरी बॉडी दे रखी थी यहां से अंत तक, तो ठीक है फिर ये इसका पार्ट हो। हाँ अगर बॉडी नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूं वापस, बार बार इसलिए बोल रहा हूं, अगर बॉडी नहीं है ऐसा होता, ऐसा सेमीकोलन भी नहीं है पीछे और ऐसा होता तो ये इसकी बॉडी होती। अगर बच्चों ऐसा नहीं होता, सुनना अच्छी तरीके से, हर बात चेंज कर करके बता रहा हूं, अगर ऐसा नहीं होता ऐसा होता इसका मतलब इसकी बॉडी खाली होती और ये ऐसा बन चुका होता बच्चों, इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा बन चुका होता। समझना बच्चों, मैं हर तरीके के क्वेश्चन का आंसर दूंगा और उसका रिजल्ट निकालूंगा। हाँ जी बच्चों चलिए, फर्स्ट अगर अपन ले, मैंने ये कहा ये क्वेश्चन अपना, इसको भी मैं हटा देता हूं, ये अपना ओरिजिनल नहीं था, ओरिजिनल क्वेश्चन अपना ये था ए इज ग्रेटर 5। बच्चों ये क्वेश्चन है और वही है, ऊपर इंटीजर मेन अग्रह वगैरह जो भी लिखना है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट चेक करना है अपन को, आउटपुट चेक करना, आउटपुट चेक कब करना है, जब इनपुट, इनपुट क्या दिया आपने, 10 दिया, ए 10 दिया। चलो बच्चों चेक कर लेते हैं, इंटीजर ये बना, ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, केवल कोडिंग, कोडिंग के सिस्टम को समझिए, केवल कोडिंग, कोडिंग के सिस्टम को समझिए। बच्चों यहां पर आइए, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, सबसे पहले बॉडी बनाइए इसकी। जब भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ते हो, जब भी फोर वाइल डू वाइल स्विच, बच्चों
इफ एल्स कुछ भी पढ़ो, सबसे पहले बॉडी का ध्यान रखना है। आप बताइए इसकी बॉडी, इसकी बॉडी में मैंने ये चेंज कर दिया, ये लीजिए इसकी बॉडी यहां से अंत तक है, क्लियर कर लीजिए इसकी बॉडी यहां से अंत तक। अब इसके हिसाब से हम चल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंडीशन ट्रू है, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो प्रिंट क्या होगा बच्चों, अरविंद प्रिंट होगा बच्चों। अब बच्चों यहां गया, कोई लूप तो है नहीं, ये अब यहां आ गया और प्रिंट क्या होगा बच्चों, अंबिका। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, क्या बोला मैंने, अरविंद एंड अंबिका। बच्चों अगर यही क्वेश्चन में अगर मैं इनपुट यहां पर देखिए, अगर मैं इनपुट दे दूं ए, कितना दे दूं 3 बच्चों, फिर आउटपुट देखिए आप, आउटपुट क्या होगा समझने की कोशिश करना बच्चों। कंडीशन फॉल्स हुई क्यों, क्योंकि ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ऑपरेटर पहले क्यों पढ़ाए, ताकि आपको पता चल जाए कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स है तो इसमें जा ही नहीं सकता, यहां पर कर्सर यहां पर जंप करेगा डायरेक्ट, और बच्चों आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा बच्चों अंबिका। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से वर्क करता है, कैसे बॉडी बनती है। आपको ये कंटिन्यूअस लाइन दी थी, ये बॉडी खुद को बनानी होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, सबसे पहले आपको बॉडी बनानी होगी बच्चों। बॉडी बनने के बाद फिर आप उसको एग्जीक्यूट कराइए और आप उसका आउटपुट लाइए। अगर बच्चों थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसमें यहां कोमा लगा देता, समझना, चलो मैं आगे ले लेता हूं, ए है, कंडीशन है अरविंद और अंबिका है, चलिए आगे ले लेता हूं बच्चों। मैंने लिखा इंटीजर ए और इफ ए इज ग्रेटर देन 5 और यहां सेमी कोलन, और मैंने कहा प्रिंट एफ फर्स्ट है अरविंद और सेकंड है क्या अंबिका, प्रिंट एफ और यहां पर क्या बच्चों अंबिका। अच्छा मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं सबसे पहले फॉर्मेट बता रहा हूं। फॉर्मेट अगर समझ में आ गए सारे कंडीशनल स्टेटमेंट के, तो जो 6-7 दिन तक मैं पढ़ाऊंगा कहां एरर है, क्यों एरर है, एल वैल्यू रिक्वायर्ड एरर क्या है, गो टू कैसे काम कर रहा है, ब्रेक कैसे काम कर रहा है, एग्जिट कैसे, कंटिन्यू कैसे, ये तभी समझ में आएंगे जब आपके फॉर्मेट समझ में आ जाएंगे। हाँ जी बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार बताइए मैंने इंटीजर ए ये लिया, लेकिन बच्चों थोड़ा चेंज कर दिया, पहले यहां सेमीकोलन नहीं था और अब है, नहीं था तो एक लाइन इसका पार्ट होगी बाकी बाहर हो जाएगी। सबसे पहले बॉडी बनाइए, फॉर्मेट बनाइए, बॉडी बनाइए। एक बार बताइए बच्चों मैंने इनपुट क्या लिया, इनपुट मैंने ले लिया 10, इनपुट मैंने 10 ले लिया। अब मैं आउटपुट की बात करता हूं, एक बार बताओ बच्चों, सबसे पहले मैं इसकी बॉडी बना देता हूं, बॉडी में ये सेमीकोलन है तो यहां से मैं हटा देता हूं, यहां से मैं हटा देता हूं और लीजिए इसकी बॉडी ये बन गई, क्योंकि सेमीकोलन है इसका मतलब ये ब्लैंक है। 10 लिया, 10 कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, अंदर गया, बिल्कुल गया, इसको एग्जीक्यूट कराएगा, यहां पर कुछ टाइम लेगा, एग्जीक्यूट करवाने का टाइम लेगा, वो अलग मैटर है कि आउटपुट में नथिंग, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा अभी तक। लेकिन बच्चों गया तो इसके बाद आगे भी जाएगा, बहुत सारे कहते हैं सर चलता रहेगा, अरे चलता तो लूप रहता है, चलता कौन रहता है, हमेशा कौन चलता रहता है, लूप चलता है। एक बार बताइए कोई ये लूप थोड़ी है, ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर गया यहां पर टाइम एग्जीक्यूट हुआ, टाइम ज्यादा लगा मानता हूं, लेकिन प्रिंट कुछ भी नहीं होगा, बाहर आया प्रिंट करवाएगा क्या बच्चों अरविंद प्रिंट होगा और क्या प्रिंट होगा बच्चों अंबिका। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा मैंने क्या बताया। हाँ अगर मान लीजिए आउटपुट आपका यह आ जाएगा यहां पर बच्चों, अगर मैंने यहां पर ए इक्वलेंट 3 डाला, कंडीशन फॉल्स हुई, कंडीशन फॉल्स है तो यहां पर नहीं जाएगा, अब की बार एग्जीक्यूट टाइम इससे कम लगेगा यहां पर, क्योंकि अंदर गया था, यहां अंदर गया था बच्चों, गया था कुछ नहीं मिला वो अलग मैटर है, गया था वहां पर टाइम ज्यादा लगता है, यहां टाइम कम लगेगा, क्यों, क्योंकि यहां गया ही नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट यहां आएगा और प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट करेगा अरविंद और दूसरा अंबिका। बच्चों ये क्लियर है, और ऊपर नीचे प्रिंट कराने के लिए न्यू लाइन ये लगा दीजिए, ये पढ़ाया जाएगा आपको कि न्यू लाइन का क्या मतलब है, नई लाइन में प्रिंट हो जाता है। मान लीजिए ये स्क्रीन है, पहले अरविंद यहाँ प्रिंट, फिर अगली बार न्यू लाइन लग के फिर अंबिका, न्यू लाइन का मतलब समझ में आ जाना चाहिए। बाकी समझाऊंगा मैं कि स्लैश टी का मतलब क्या है, स्लैश आर का मतलब क्या है, न्यू लाइन का मतलब क्या है, सब कुछ समझाया जाएगा, लेकिन अभी तुम इतना ध्यान रखो ऊपर नीचे आउटपुट के लिए ये, और अगर ये नहीं लगाता तो अरविंद जा खत्म हुआ, उसी के आगे अंबिका प्रिंट हो जाता, खैर वो अलग मैटर है, तुम तो आउटपुट को समझो, अरविंद और अंबिका सबसे पहले न्यू लाइन लगाओ या मत लगाओ, अगर लगाते हो तो ये लाइन छोड़ दीजिए, यहां से अरविंद प्रिंट होगा, और अगर ये लगा देते हो
तो ये लाइन छोड़ के यहां से अरविंद प्रिंट होगा, और अगर मान लो ये नहीं लगाते हो तो अरविंद स्टार्टिंग से प्रिंट होगा। बच्चों ये समझ ही लो, ये न्यू लाइन का प्रॉब्लम क्या है ये भी समझ लीजिए। मान लो ये आपकी स्क्रीन है, तो जब अरविंद प्रिंट करना है तो यहीं से प्रिंट होगा, ये क्या होगा बच्चों अरविंद। अब न्यू लाइन अगली बार जब प्रिंट होगा तो उससे पहले न्यू लाइन कर्सर है ये नीचे की लाइन पे आ जाएगा और क्या प्रिंट होगा अंबिका। अगर मान लो बच्चों मैं न्यू लाइन यहां पर लगा दूं, अब क्या होगा, तो अब होगा बच्चों पहली लाइन छोड़ देगा और उसके बाद अरविंद प्रिंट करेगा, अरविंद यहां से प्रिंट होगा और उसके बाद अंबिका यहां से प्रिंट होगा। अगर कोई कहे कि सर मेरे को तो कंटिन्यूस प्रिंट कराना है, कंटिन्यूस प्रिंट कराना है, तो कोई बात नहीं है, दोनों हटा दीजिए। और अब ये कैसे प्रिंट होगा ये भी समझ लीजिए, यहां पर प्रिंट होगा अरविंद, कोई गैप नहीं देगा, और यहां पर क्या प्रिंट होगा अंबिका, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, सीरियल वाइज चलेगा। अगर बच्चों को ये कहे कि सर अरविंद के आगे थोड़ा गैप देके अंबिका प्रिंट कराना है, ये लीजिए अरविंद, देखिए इसमें नहीं अलग लेके मैं समझा रहा हूं। मान लो अपन ने ये लिया, यहां पर मैंने प्रिंट कराया क्या अरविंद, अब मैं ये चाहता हूं कि सर इन दोनों को एक ही लाइन में प्रिंट कराना है लेकिन थोड़ा गैप देके, तो मैं यहां टी कर देता हूं, स्लैश टी। तो बच्चों अरविंद और 5 कैरेक्टर का स्पेस देने के बाद, क्लियर, ये दिखेगा नहीं, स्पेस दिखेगा नहीं, ये ध्यान रखना। और बच्चों जो अंबिका है वो यहां आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा अंबिका। और बच्चों कोई कहे नहीं और गैप देना है तो एक स्लैश टी ओ लगा दीजिए, और गैप देना है तो एक स्लैश टी ओ लगा दीजिए, समझ में आ गया होगा। हाँ अगर मान लो इसके नीचे अंबिका यहां नहीं इस लाइन में आनी चाहिए तो यहाँ डबल एन लगा दीजिए, अभी तो इतना ही समझो, स्लैश एन एक बार दो बार, क्लियर बच्चों। तो अरविंद के बाद में एक लाइन छोड़कर न्यू लाइन फिर न्यू लाइन तो अंबिका यहां आ जाएगी। मेरे हिसाब से पूरा खेल समझ में आ गया होगा प्रिंटिंग का, बाकी आपको समझाया जाएगा। अभी स्लैश एन और स्लैश टी को ही दिमाग में रखिए, ज्यादा कुछ दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चों अगर ये बात ही निकल गई तो मैं आपको एक छोटी सी चीज और समझाता हूं। मैंने लिखा प्रिंट एफ स्लैश एन स्लैश टी, इस तरीके से मैंने लिखा, क्लियर बच्चों। और मैंने यहां पर लिख दिया क्या अरविंद, क्लियर बच्चों। क्या प्रिंट होगा आप बताइए, क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, ये एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने, हाँ जी क्या प्रिंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ये स्क्रीन है, सबसे पहले यहां कर्सर था, न्यू लाइन यहां आ गया, न्यू लाइन यहां आ गया, टी यहां आ गया, इसी लाइन में यहां आ गया, टी यहां आ गया, बच्चों यहीं से क्लियर ये स्पेस देके फिर क्या प्रिंट हो जाएगा अरविंद, समझ में आ गया होगा बच्चों किस तरीके से चलता है ये। अगर फॉर्मेट है मैं आपको फॉर्मेट के बारे में अच्छे तरीके से बताऊंगा। अभी तो अपन इफ एल्स की बात करते हैं, इफ की बात मैं कर चुका हूं, फॉर्मेट बनाइए, इफ के अंदर कंडीशन का होना जरूरी है, इफ के पीछे अगर सेमी कोलन है उसका पार्ट खाली है, इफ की अगर बॉडी नहीं है तो एक लाइन उसका पार्ट है, इफ की बॉडी है तो पूरी बॉडी उसका पार्ट, क्लियर बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ जी बच्चों अगर कोई ये कह दे कि सर नेस्टेड इफ के बारे में बताइए, मैंने कहा ये इफ है, ये इफ है और यहां पर मैंने इस तरीके से लिखा और इसकी एक बॉडी है, मैंने लिखा प्रिंट एफ और यहां पर चलो ए बी सी ये लिख दिया मैंने, और प्रिंट एफ और यहां पर लिखा मैंने ई एफ जी, फिर मैंने एक इफ और लगा दिया और मैंने ये फिर लिख दिया इफ के अंदर कोई कंडीशन एज लेस देन इक्वल 9, और बच्चों यहां पर मैंने लिखा प्रिंट एफ एक्स वाई जेड, और यहां पर मैंने फिर लिख दिया प्रिंट एफ और ओ पी क्यू। बच्चों इसको समझना इसका आउटपुट क्या आएगा, ये इफ है फिर अगला इफ है कोई दिक्कत नहीं, इसकी बॉडी बनी हुई है, चलो एक और लिख देता हूं मैं ताकि और अच्छा समझ में आए, इफ और यहां पर लिखा ए 7, क्लियर ए 7 और ये कर दिया, और यहां पर मैंने लिख दिया प्रिंट एफ और ये ले लिया मैंने आई जे के, बच्चों एक बार इसको समझना। और ये आप सबको पता है यहां पर इंटीजर ए होगा, इंटीजर ए होगा ये लीजिए, और यहां पर इंटीजर मैन होगा,
और वहां रिटर्न जीरो होगा, ऐसा कुछ प्रोग्राम बन सकता है। ये लीजिए, यहां पर मैंने क्या कर दिया, रिटर्न जीरो नल। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है, या स्कैन अप करके मैं इनपुट दे सकता हूं या फिर मैं उधर लिख सकता हूं, समझना। इस पूरे प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करा के आपको बताता हूं। मैंने कहा इनपुट ए, ए मैंने कितना ले लिया, 5। चेक कर लेते हैं, आप बताइए। सबसे पहले इफ आया, ठीक है, अरे कंडीशनल स्टेटमेंट आ गए, बॉडी बनाइए, बॉडी बनाइए इनकी, बॉडी बनाइए इनके, फॉर्मेट तैयार कीजिए। ये आपको दे रखा है, ये आ गया आपके पास। अब चलो मैं इसकी बॉडी बना रहा हूं, जो एक्स्ट्रा लिखूंगा वो ध्यान रखना। देखो तुम वीडियो देख रहे हो और डिजिटल है, तो कोई अलग अलग कॉपी पेन की जरूरत नहीं है कि ठीक है अब इसकी यहां टाइप कर दो फिर अगला टाइप कर दो। तुम देख रहे हो, यही रोक के देख लीजिए, सर ने लिखा ये था फिर किया क्या था, ओरिजिनल क्वेश्चन ये है और अपन इसको कन्वर्ट कैसे करें उसको देखिए। बच्चों बॉडी बन गई, ठीक है, ये इफ है, कोई पीछे सेमीकोलन नहीं। इसकी बॉडी में क्या होगा, एक पार्ट खाली है, ये लीजिए। क्लियर बच्चों, ये नेस्टेड इफ, इफ बोलो मत बोलो, ये अलग अलग कंडीशन है, ये अलग है, ये अलग है, इफ है, केवल इफ इफ है, एल्स नहीं आया अभी तक, केवल इफ इफ है। कितने भी इफ लगा दीजिए, कहीं पर भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लीजिए इफ है, बिल्कुल ये इफ है, इस इफ में बॉडी है, बिल्कुल है बॉडी, इस इफ की बॉडी है, नहीं है बॉडी, पहले बॉडी बनाइए, ये लीजिए, ऐसे बनाना पड़ेगा। फिर ये लाइन आ गई, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बीच में लाइन आ गई, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है। फिर बच्चों यहां आ जाइए, अच्छा पीछे सेमी कोलन है, इसकी बॉडी बनाइए, बच्चों ध्यान रखना इसकी बॉडी, ये लीजिए बच्चों, यहां से ये हट जाएगा, खत्म। ओरिजिनल क्वेश्चन भी तुमने देखा, ओरिजिनल क्वेश्चन भी तुमने देखा, और मैंने क्या किया वो भी तुमने देखा। बच्चों ये फॉर्मेट बन गया, अब क्वेश्चन को स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर बच्चों, समझ में आया होगा, एक बार कमेंट कर दो, अभी तक का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया क्या, होता क्या है, फॉर्मेट कैसे बनाता है, क्या क्या ध्यान रखना है। हाँ, इफ के अंदर अगर कोई कंडीशन नहीं होगी तो एरर दे देगा, क्योंकि इफ विदाउट कंडीशन के नहीं चलता है। अंजलि खतूरिया, आंसर दिया है एक्स वाई जेड ओपी क्यू, ठीक है, पहले तो ये बता दीजिए अब तक का क्लियर है क्या, आंसर तो ठीक है, अब तक का क्लियर है क्या, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया। मिथलेश, रेंका क्लियर है सर, मस्त है, ठीक है। एक मिथलेश को थोड़ी दिक्कत आई कि फॉर्मेट कैसे बनाया गया है ना, देखो एक बार वापस देख लो क्या क्या क्वेश्चन था। ओरिजिनल क्वेश्चन पे आइए, ओरिजिनल क्वेश्चन आपका अलग कलर में है और जो मैंने बनाया फॉर्मेट वो थोड़ा अलग कलर में है, समझ लो। ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, इसका फॉर्मेट बना हुआ है इफ, ये लीजिए बॉडी, बॉडी इसकी बॉडी नहीं है, और सबको पता है सेमी कोलन नहीं है, तीन ही तो चीज है, तीन ही तो चीज है, इफ का पार्ट होना चाहिए, इफ के अंदर कंडीशन होनी चाहिए, इफ की बॉडी होनी चाहिए, स्टेटमेंट है इनकी बॉडी होनी चाहिए। किस किस की बॉडी होती है, लूप की बॉडी होती है, स्विच की बॉडी होती है, इफ एल्स की बॉडी होती है, इफ की बॉडी होती है, फंक्शन की बॉडी होती है, इंटीजर मेन लिखते हो तो बच्चों कुछ नहीं लिखा होता, पहला पार्ट उसका पार्ट है, सेमी कोलन लग रहा है उसके तो पूरा पार्ट खाली है, क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। आप बताइए ये पूरा पार्ट, इसका पार्ट ये लीजिए, ये है बॉडी, यहां बॉडी नहीं, ये लीजिए बच्चों, यहां सेमी कोलन था पीछे था, देखो आप यहां पर था पीछे था, ओरिजिनल में यहां था। अब बच्चों समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, इसमें नहीं था तो ये इसकी बॉडी, इसमें था तो इसका पार्ट ब्लैंक हो जाएगा, कहने का मतलब ये है ये ब्लैंक हो जाएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए। इसको मैंने अपनी तरफ से बनाया है, ये मैं हटा देता हूं, ये लीजिए। अगर यहाँ सेमी कोलन है तो मैं कैसे समझाऊं आपको कि मैं इसको काट रहा हूं, ये मैं इसको काट रहा हूं और इसकी बॉडी यहां बना रहा हूं, ये लीजिए। अब तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। मिथलेश, मिथलेश ने बोला सर रिपीट कर दो, मैंने रिपीट कर दिया, अब तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। कंडीशनल स्टेटमेंट है, बॉडी बनाना आना चाहिए तभी कोई आउटपुट आएगा। मिथलेश ने बोला था रिपीट के लिए, क्लियर है क्या, जी सर क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों एक बार आ जाइए, आउटपुट मैंने क्या दिया 5, सॉरी इनपुट मैंने क्या दिया 5, आउटपुट चेक कर लेते हैं। देखिए आप
हर कंडीशन को चेक करते। फाइव दिया, फाइव कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। फाइव फाइव से बड़ा नहीं है, फॉल्स है, फॉल्स है तो इसमें नहीं जाएगा, ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहां गया, कंडीशन ट्रू है, अंदर गया, प्रिंट क्या होगा, एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चों, ट्रू है तो अंदर गया, प्रिंट क्या होगा, एक्स वाई जेड। बच्चों अंदर जाने के बाद यहां जाएगा क्योंकि सी अप टू डाउन लैंग्वेज है, ये मत बोलना इफ में गया तो यहां क्यों जाएगा। अरे वो तो इफ एल्स में होता है कि इफ के अंदर गया तो एल्स में नहीं जाएगा। बच्चों इफ में थोड़ी होता है ये, इफ एल्स तो है ही नहीं, केवल इफ चलता है। बच्चों एक बार बताइए, बच्चों एक चीज बताइए, ध्यान दीजिए आप सब लोग, ये कंडीशन फॉल्स थी, यहां नहीं जाएगा, कंडीशन ट्रू थी, अंदर जाएगा, यहां गया, ओपी क्यों आएगा। कोई न्यू लाइन अगर वगैरह कुछ नहीं है, सीधे सीधे प्रिंट होता जाएगा, कोई गैप भी नहीं है, एक्स वाई जेड ओपी क्यू, कोई गैप नहीं है। बच्चों फिर यहां आएगा, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है तो यहां नहीं जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, मत जाने दो, इसके अंदर बाहर तो आएगा। प्रिंट क्या होगा, आईजेके, आईजेके। बच्चों क्लियर, कंडीशन फॉल्स है तो अंदर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, यहां आएगा, प्रिंट क्या होगा, आईजेके। तो एक्स वाई जेड ओपी क्यू आईजेके। बच्चों ये इसका आउटपुट है, अगर तुम लोगों के समझ में आ गया तो बता दीजिए, एक बार कमेंट कर दो इस क्वेश्चन के लिए कि आप सब लोगों के क्लियर है क्या। हाँ जी बच्चों, अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, फिर मैं इनपुट बदल देता हूं। इनपुट में बदल के आपको बता रहा हूं क्या है इनपुट। इनपुट मैंने लिया ए, ए कितना ले लिया बच्चों, मैंने सिक्स। चलो चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं बच्चों, इन सबको हटा देता हूं मैं, वीडियो को पॉज कर करके अपने नोट्स बनाइए, क्या कंडीशन थी बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। कंडीशन क्या थी, ये ओरिजिनल क्वेश्चन था, ओरिजिनल क्वेश्चन था, देखा बॉडी है, देखा वापस शुरू से, देखा बॉडी नहीं है, बॉडी बनाई है, ये लीजिए ये बॉडी बन गई इसकी, ये ओरिजिनल क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, मैं कलर बदल देता हूं, आज ये बॉडी बन गई। बच्चों बॉडी नहीं है इसका मतलब ये बिल्कुल ब्लैंक है, ये लीजिए ये फॉर्मेट बन चुका है, क्लियर। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू है तो अंदर जाएगा, प्रिंट क्या होगा बच्चों, एबीसी। अगर कोई न्यू लाइन लगाना चाहे तो अब आगे आ जाएगा, नहीं लगाना चाहे तो आगे बन जाएगा बच्चों, ई एफ जी। क्लियर हो गया होगा, फिर यहां पर आ जाइए, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है क्योंकि सिक्स लिया है, कंडीशन ट्रू है, देखो ना सिक्स नाइन से छोटा है क्या, यस, प्रिंट होगा एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड नीचे आएगा, प्रिंट होगा ओपी क्यू, ओपी क्यू। यहां आ जाइए, क्या कंडीशन ट्रू है, नहीं फॉल्स है, फॉल्स है तो इससे बाहर, इफ में नहीं जाएगा, बाहर जाएगा, आईजेके आ जाएगा। बच्चों मेरे हिसाब से पूरा क्लियर हो गया होगा किस तरीके से इफ चलता है, क्लियर बच्चों। ये केवल इफ समझाया मैंने, नेस्टेड नहीं है, इफ है, इफ है, इफ, इफ किस तरीके से काम करता, कहीं पर भी लगाओ, कितने भी लगाओ, कितने भी बीच में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अब अपन बात करते हैं नेस्टेड इफ की, समझना। मैंने लिखा, मैंने लिखा इफ और फिर लिख दिया इफ, और मैंने लिखा प्रिंट एफ, और फिर लिखा मैंने प्रिंट एफ, और फिर मैंने लिख दिया प्रिंट एफ। ये नेस्टेड इफ है, इफ के अंदर इफ है, समझना बच्चों। अगर ये इफ है, इफ की बॉडी के अंदर फिर इफ है, इस इफ की बॉडी ये है और इस इफ की बॉडी ये है, यहां से अंतर, और ये इसकी बॉडी, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ, इफ के अंदर इफ है, ये इफ की बॉडी है, ये इस इफ की बॉडी है। लेकिन बच्चों क्वेश्चन तो ऐसा आया है, ऐसा तो कुछ था ही नहीं,
बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ये इफ है, इफ के अंदर इफ दिखते ही ये है। पहले क्या था, ये इफ था, ये इफ कहीं दूर था तो वो नेस्टेड नहीं था, नेस्टेड ये है, इफ के अंदर इफ है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, एक इफ यहां था, फिर दो तीन लाइनें लिखी थी मैंने बॉडी बना के, फिर दूसरा इफ। ये नेस्टेड थोड़ी है, ये नेस्टेड नहीं है, बीच बीच में स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये नेस्टेड नहीं है। नेस्टेड तो ये इफ के अंदर इफ है। क्यों? क्योंकि इफ की इस बॉडी के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर कुछ नहीं है, तो फिर ये इफ आएगा। समझना इसका फॉर्मेट कैसे बना रहा हूं, समझना बच्चों। ये इफ है, तुम ही तो कह रहे थे कोई पार्ट नहीं है, तो एक पार्ट इसका ये लो, इसका पार्ट ये लीजिए। लेकिन जैसे ही इस इफ को लिखता हूं, इस इफ को लिखता हूं, तो बच्चों इस इफ को लिखता हूं तो इसका कोई पार्ट नहीं है, तो एक पार्ट इसका है, प्रिंट एफ अरविंद इसका है, प्रिंट एफ अरविंद इसका है। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, ये कोई लाइन नहीं है, ये इफ है, इस इफ के अंदर कोई पार्ट नहीं है तो ये इसके अंदर है, और इस इफ के अंदर कोई पार्ट नहीं है तो ये इसके अंदर, मतलब ये दोनों लिंक है आपस में। बच्चों ये लीजिए, ये बॉडी बन, और बच्चों अब जो है वो इसके बाहर है, इसके बाहर है, इस इफ के बाहर है, इस इफ के अंदर केवल ये है, बाकी और सब इस इफ के बाहर है। लीजिए मैंने लिखा प्रिंट एफ, और ये क्या लिख दिया मैंने, अंबिका। क्लियर हो गया होगा, वापस सुन लीजिए, इस इफ के अंदर ये है, क्लियर बच्चों, इस इफ के अंदर ये है, बाकी ये दोनों बाहर है, प्रिंट एफ अंबिका और प्रिंट एफ सत्यम। ये लीजिए प्रिंट एफ अब बच्चों एक बार बताइए, ये लीजिए फॉर्मेट देखना। मैंने कहा इस इफ के अंदर केवल एक इफ है, ये इफ है, इस इफ के अंदर ये है, ये बिल्कुल सही है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा सही है। इस इफ के अंदर ये है, इस इफ के अंदर ये है, बच्चों ये खत्म। लेकिन आप बताओ ये यहां लगेगा या यहां पर लगेगा, बताओ ये कहां लगेगा, सोचो जरा, सोचो इसका फॉर्मेट बनाओ। मैं क्या कह रहा हूं, इस इफ के अंदर ये है और ये अकेला रह नहीं सकता, इसके साथ ही है, बस इस इफ के अंदर ये है, इस इफ के अंदर ये है, ये फॉर्मेट गलत है। समझने की कोशिश करना मैंने क्या बताया, वापस सुनो, इसके दो फॉर्मेट में बता रहा हूं, समझना। ए इफ, इफ If age less than 5, if age greater than 2, print f अरविंद। बच्चे कहां गड़बड़ करते हैं वो समझ लो, और बच्चों प्रिंट एफ अंबिका। और प्रिंट कर सकते हैं, बच्चों इन दोनों फॉर्मेट में से सही फॉर्मेट कौन सा है ये चेक कीजिए, और आप बताइए कौन सा फॉर्मेट सही है, आप खुद बताइए कौन सा फॉर्मेट सही है। 99.99% बच्चे क्या गलती करते हैं वो समझा रहा हूं मैं आपको, 99.99%। और बुक्स में बहुत सारों में गड़बड़ है, बहुत सारी बुक्स में गड़बड़ है, ऐसे लिख देते हैं पता नहीं क्या क्या आंसर दे देते हैं। फॉर्मेट बताइए, अब सुनना अच्छी तरीके से बच्चों, सुनना, ये अपना ओरिजिनल था, अपन को फॉर्मेट बेस कन्वर्ट करना है, जब तक फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा नहीं होगा तब तक आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आप कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ रहे हो। इफ आए फॉर्मेट बनाना है, लूप आए फॉर्मेट बनाना है, स्विच आए फॉर्मेट बनाना है, फंक्शन आए फॉर्मेट बनाना है, बॉडी आए किसी की फॉर्मेट बनाना। यहां पर आइए इफ, इसके अंदर कुछ नहीं है ये है, फिर इसके अंदर कुछ नहीं है तो ये है, बच्चों क्लियर कर लो, इसके अंदर केवल ये है, इसके अंदर केवल ये है, माइंड को लगाइए, इसके अंदर केवल ये है और इसके अंदर केवल ये है, खत्म। बच्चों आप बताइए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इस इफ के अंदर ये पूरा है, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। इस इफ के अंदर ये पूरा नहीं है, इस इफ के अंदर केवल ये इफ है, इसका मतलब ये फॉर्मेट गलत है। समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये फॉर्मेट गलत है, फॉर्मेट ये सही है, इस इफ के अंदर केवल ये इफ है और इस इफ के अंदर केवल ये बॉडी है, इस इफ के अंदर ये इफ खत्म और फिर ये दोनों बाहर है।
ये फॉर्मेट है इसका। आज ही कमेंट कर दीजिए सामने आ जाए क्या ये कैसे बनाया, वापस सुन लो, ऐसे लिख देगा लाइन और समझो इस शिफ्ट के अंदर ये है, इसके साथ ये बॉडी आएगी जरूर, बस इस शिफ्ट के अंदर केवल इतना है, इस बार वाले के अंदर केवल इतना है, ये दोनों भार है, समझ में आ जाना चाहिए क्या ये क्लियर है, कमेंट कर दो ये क्लियर है क्या। हाँ जी बच्चों ये क्लियर है कि कैसे बनाया मैंने, बच्चों ये क्लियर है क्या, क्लियर है बिल्कुल। इस इफ के अंदर ये इफ है, ये बॉडी, ये पूरी बॉडी इसके अंदर है, बाकी सब बाहर है, बाकी इस इफ के अंदर सब बाहर है, ये दोनों बाहर। ये कब आएगा, ये जब आएगा, सुनना अच्छी तरीके से, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना, ये कब आएगा, ये वाली बॉडी कब आएगी, जब मैं इसके अंदर ऐसे लिखू, ये लिखू बच्चों, अगर मैं यहां पर और यहां पर ऐसे लिख देता तो ये सही होता। इस इफ के अंदर एक पूरी बॉडी है, ये लीजिए, इस इफ के अंदर केवल एक लाइन है, ये लीजिए, तब ये आंसर आता। दोनों क्लियर हो जाने चाहिए, मैंने क्या कंसेप्ट बताया। आज ही बच्चों हो सकता है आपको बारीक बारीक दिख रहा हो, लेकिन कोशिश कीजिए, अगर आप सबको सामने रख के पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं प्रोग्रामिंग में। नहीं आया समझ में, रिपीट करना है क्या, कब तो ये बनेगा, इस इफ के अंदर पूरी बॉडी है, और अगर मैं ये हटा दूं, ये हटा दूं, तो इस इफ के अंदर केवल ये इफ है, बस ये इफ यहां से यहां तक है, ध्यान रखिए, ये इसके अंदर है, बाकी दोनों बाहर है, ये लीजिए दोनों बाहर। बच्चों मेरे हिसाब से अब तो बिल्कुल क्लियर हो ही गया होगा किस तरीके से चल रहा है, ये फॉर्मेट नहीं बनेगा, फॉर्मेट ये बनेगा। और अब अपन आंसर दे देते हैं, अपन ने क्या लिया इनपुट, और इनपुट क्या ले लेता हूं मैं, तीन ले लेता हूं, क्या कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल है, क्या यहां जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्या कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल है, क्या अंदर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, प्रिंट क्या होगा, अरविंद प्रिंट होगा, अरविंद प्रिंट होगा, चलो ठीक है, क्या इससे बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा, लूप मत चला देना, लूप नहीं है बच्चों, कंडीशन ट्रू अंदर गया, कंडीशन ट्रू यहां गया, प्रिंट हो गया अरविंद, बाहर आ गया, प्रिंट होगा अंबिका, न्यू लाइन के साथ लगा देता हूं, न्यू लाइन के साथ लगा देता हूं, प्रिंट होगा अंबिका और प्रिंट होगा सत्यम। अब अगर बच्चों मैं यही इनपुट मैं ले लेता हूं, कितना, चार, बच्चों हाँ एक काम करो कुछ और ले लो, छह ले लीजिए, चार में तो वही कंडीशन बन जाएगी, ट्रू ट्रू हो जाएगा, एक ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, हाँ जी एक ले लिया इनपुट, मैंने एक लिया, कंडीशन ट्रू है, अंदर गया, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, फॉल्स है तो बच्चों यहां तो गया, कंडीशन फॉल्स है तो यहां नहीं जाएगा, यहां नहीं जाएगा, डायरेक्ट यहां आएगा, प्रिंट अंबिका और सत्यम, इस केस में प्रिंट क्या होगा, अंबिका, और दूसरा क्या प्रिंट होगा, सत्यम। और बच्चों अगर नो ले लू तो कंडीशन फॉल्स है, यहां से यहां आएगा ही नहीं, डायरेक्ट अंबिका और सत्यम डायरेक्टली आ जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कमेंट कर दीजिए, इफ पूरा समझा दिया, इफ नेस्टेड इफ पूरा समझा दिया, क्लियर बच्चों, हाँ जी बताइए क्या ये क्लियर है क्या। एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं, और क्लियरिटी आ जाएगी, देखते हैं, रिंका कह रही है सर अगर हम छह ले तो ठीक है, बच्चों ए के अंदर कितना ले लीजिए, सिक्स, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई, बाहर आ गया, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, यहां जाएगा, क्या प्रिंट होगा अंबिका और क्या प्रिंट होगा सत्यम, क्लियर, हाँ जी रिंका क्लियर है, अंबिका और सत्यम बिल्कुल, अंबिका और सत्यम प्रिंट हो जाएगा, रिंका क्लियर है क्या, कमेंट कर दीजिए, मैं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं आज मैं आपको, इफ इफ के बारे में भी अगर तुमने ढंग से समझ लिया ना, एक दो क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते, मैंने लिखा इफ एज लेस देन टेन, इफ
a is greater than 6 if a equal to 5 or printf Arvind, printf Ambika. Or printf Satyam. Format banana hai kya hum? If chalo iske yahan par bhi pehle isko dekh lete hain, samajhna kya format banana sikha raha hu. If ke andar ye to hai, iska matlab nested ban gaya. Is if ke andar ye to hai, isliye nested ban gaya. Kya banega iska format? Lo main bana deta hu. If इसके अंदर कुछ नहीं है तो एक आएगा, a इज लेस देन 10, इसके अंदर ये तो आएगा इफ a इज ग्रेटर 6, इसके अंदर कुछ नहीं तो ये तो आएगा ही इफ बच्चों a इक्वल टू 5, बच्चों इसके इसकी बॉडी खाली है, ये लीजिए. अब तुम कह रहे हो इसके अंदर केवल ये आएगा, आ गया ये खत्म, इसकी बॉडी खाली है, ये लो ये खत्म, इसके अंदर केवल ये आएगा, इसके अंदर केवल ये आएगा, इसकी बॉडी खाली है. तुम कह रहे हो इसके अंदर क्या आएगा, ये लो इसके अंदर क्या आएगा, इसकी बॉडी खाली बच्चों, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, और ये बाहर ये बच्चे 3, इसकी बॉडी में केवल ये है, केवल ये है, इसकी बॉडी में केवल ये है और इसकी बॉडी खाली है, बाकी सब बाहर. देखिए ये फॉर्मेट बन जाए बच्चों, बाकी सब बाहर आ जाए. कौन कौन बाहर है? प्रिंटफ अरविंद बाहर है, प्रिंटफ अरविंद बाहर है, प्रिंट एफ अंबिका बार है, सन में आ गया होगा, और प्रिंट एफ सत्यम बार, प्रिंट एफ सत्यम बार. देख लीजिए अगर आपके क्लियर है तो वापस सुन लो, इसकी बॉडी में केवल ये आएगा, इसकी बॉडी में केवल ये आएगा और इसकी बॉडी खाली है, ये लो इसकी बॉडी में केवल ये आएगा, इसकी बॉडी में केवल ये आएगा और इसकी बॉडी खाली है. बच्चों इसकी बॉडी पैक होते ही ये पैक हो गया और ये भी पैक हो गया और ये बाहर आ गया. ये फॉर्मेट है, अब डेटा ले लेके देख लो. अगर मान लो मैं ए लेता हूं कितना, 11, कंडीशन फॉल्स, डायरेक्ट बाहर, क्योंकि इसके अंदर जाएगा ही नहीं, यहां से यहां तक नहीं जाएगा, इसकी बॉडी में नहीं जाएगा, यहां से यहां तक नहीं जाएगा, कंडीशन फॉल्स, डायरेक्ट यहां से प्रिंट. अगर मैं ए लेता हूं 9, बच्चों इसके अंदर जाएगा, यहां से अंत तक जाएगा, कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा इतना सा पता करो, यहां से अंत तक जाएगा बच्चों. ये कंडीशन यहां पर कंडीशन ट्रू हो जाएगा, इसके अंदर भी जाएगा जाएगा, इसके अंदर भी जाएगा, यहां नहीं जाएगा, इस पार्ट में नहीं जाएगा, फिर बाहर आके वही अरविंद अंबिका सत्यम प्रिंट करवाएगा. पहले केस में भी यही प्रिंट होगा, दूसरे में भी यही प्रिंट होगा. क्लियर बच्चों? अगर मान लो मैं इसकी जगह केवल फॉर्मेट पहचानना सीखो, क्या ये क्लियर है क्या? पहले तो ये बताइए, ये वर्ड क्लियर है क्या? ये फॉर्मेट क्लियर है क्या इसका? यस ये तो लिखना है, या रिपीट बोल लो तो रिपीट कर दो. ये फॉर्मेट क्लियर है क्या प्रियंका? यस यस. फॉर्मेट बनाना सीखिए. प्रोग्रामिंग मतलब फॉर्मेट, प्रोग्रामिंग मतलब ऑपरेटर्स पे कमांड, फॉर्मेट मतलब पॉइंटर्स पे कमांड. क्लियर बच्चों? आपकी कोई भी लैंग्वेज, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज 3 वर्ड में खत्म कर सकता हूं. फॉर्मेट आना चाहिए, ऑपरेटर्स पे कमांड होनी चाहिए और पॉइंटर पे कमांड होनी चाहिए. ठीक है? एरे क्या है? फॉर्मेट. स्ट्रिंग क्या है? फॉर्मेट. स्ट्रक्चर क्या है? फॉर्मेट. यूनियन क्या है? फॉर्मेट. एनम क्या है? फॉर्मेट. सब फॉर्मेट है. फॉर्मेट अगर तुम्हारे समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं. हाँ जी, सबके क्लियर है? अब बच्चों मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको फिर समझा रहा हूं. अगर बच्चों मैं इसको ऐसे कर दूं, वीडियो तुम्हारे पास सही, रोक के देख लेना कि पहले ये किया था सर ने. अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब बताइए क्या होगा? इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर केवल ये और इसके अंदर केवल ये और इसके अंदर केवल ये. बच्चों याद रखना फॉर्मेट में क्या चेंज हो गया, सुनना अच्छी तरीके से, सुनना अच्छी तरीके से. फॉर्मेट में जो चेंज हुआ उसको समझना. ये प्रिंट एफ अरविंद इसके अंदर चला जाएगा, प्रिंट एफ अरविंद इसके अंदर चला जाएगा, एक लाइन इसके अंदर चले जाएगी. और बच्चों ये यहां से खत्म, देखो ये खत्म,
समझ में आ गया, पेंटाप अरविंद से इसके अंदर केवल ये खत्म, इसके अंदर केवल ये खत्म, ये फॉर्मेट बनेगा और यहां से ये लाइन खत्म। देख लीजिए एक बार, क्या ये क्लियर है क्या कैसे फॉर्मेट बन रहे हैं, सब कैच कर लीजिए मैंने क्या बताया, समझ में आ जाना चाहिए। क्या ये क्लियर है क्या कमेंट कर दीजिए। इतना सा करने से सेमीकोलन यहां से हटाने से क्या इफेक्ट पड़ा देख लीजिए एक बार। सुरेश कुमार सैनी क्लियर है सर, दीपिका क्लियर है, अमृतपाल क्लियर है सबके। अब अगर मान लो मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया बच्चों, मैंने ये कर दिया बच्चों, अब क्या होगा, इसके अंदर केवल ये है और इसके अंदर केवल ये है और इसके अंदर ये बॉडी है, ये लो इसके अंदर ये बॉडी है बच्चों, इसके अंदर बॉडी है, बॉडी में दो है अरविंद और अंबिका, ये लीजिए यहां पर प्रिंट एफ, प्रिंट एफ और ये क्या आ जाएगा अंबिका। क्लियर, ये लाइन खत्म यहां से, ये लाइन यहां से खत्म। इसके अंदर ये बॉडी है, ये लीजिए इसके अंदर ये बॉडी है, इसके अंदर केवल इफ है, इफ खत्म, ये लो और इसके अंदर केवल इफ है, ये खत्म, ये बाहर रह जाएगा। और बच्चों अब इसका अगर ये पूरा होता तो ये भी इसके अंदर चला जाता। अब बच्चों एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं, मेरे हिसाब से इफ पूरा समझ में आ गया होगा। कल अपन इफ एल्स लेंगे, कौन इफ एल्स पूरा कंसेप्ट समझा देंगे। क्लियर, कल ये समझ लीजिए। अब मैं मान लीजिए एक डेटा ले लेता हूं, ए इनपुट ले लेता हूं, इस क्वेश्चन के लिए इनपुट लिया ए कलन नाइन, कंडीशन ट्रू बिल्कुल यहां से यहां तक जाएगा, ये बॉडी ये लो, ये बॉडी ये लो, ये बॉडी ये लो, यहां से यहां तक जाएगा, यहां नहीं जाएगा। अरे कौन कह रहा है, वो तो इफ एल्स में होता है, यहां जाता है तो एल्स में नहीं जाता, ये तो केवल इफ है, सब जगह जाएगा, इफ यहां जाएगा, कंडीशन ट्रू है यहां भी जाएगा, सॉरी कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है यहां पर भी जाएगा, कंडीशन फॉल्स है यहां नहीं जाएगा, यहां गया यहां भी गया, यहां नहीं गया ये प्रिंट नहीं होगा, डायरेक्ट अब यहां आ जाएगा, सत्यम प्रिंट हो जाएगा। सब कुछ समझ में आ गया होगा, कमेंट कर दीजिए आज की क्लास क्लियर है क्या। सत्यम गुस्सा बिल्कुल सही है सत्यम, आज बेटा आज मैंने पूरा इफ समझा दिया आपको, कोई डाउट हो तो बोलिए। कितनी क्लास में से खत्म होगी, ऐसे 35 में होती है लेकिन तुम्हारे 40 लगेगी क्योंकि आपका एग्जाम्पल ज्यादा दे रहा हूं मैं, ठीक है 40 क्लास, लेकिन उस तरीके की मैं सीख पढ़ा दूंगा कि कोई भी दुनिया का प्लेसमेंट का पेपर दीजिए, कंपटीशन का पेपर दीजिए, लैंग्वेज में सी प्लस प्लस देखिए, कोई भी देखिए, आपको फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सी और सी प्लस प्लस में क्या अंतर है, केवल एक दिन का अंतर है, मात्र एक दिन का अंतर है, सी आ गई सी प्लस प्लस में केवल एक दिन और पढ़ना है बस। फिर जावा में क्या अंतर है, फिर एक दिन और पढ़ लेना जावा आ जाएगी, क्योंकि है तो सब सी से निकली हुई, बस ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट आ जाता है, वो जो समझा देंगे। हाँ जी बच्चों क्लियर सबके, ठीक है। और थोड़े दिनों में आपकी मैथ और रीजनिंग का एक पार्ट और स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सिंप्लीफिकेशन बता दिया जाएगा, उसका टाइमिंग रहेगा 1 से 2, थोड़े दिनों में स्टार्ट करेंगे। और थोड़ी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, यूट्यूब पे मेरे वीडियो देखते ही आप कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा मेरे को फेमस कीजिए, लोग जाने मेरे को, ठीक है। अभी मैं नया हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, आपके दोस्तों को बताइए कि इस तरीके से कोचिंग चलती है, सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा, अभी से तैयारी करते रहिए, वैकेंसी आएगी 100% आएगी, ठीक है बच्चों।